हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की, तो इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। सुजानपुर के चौकी में आयोजित पूर्व सैनिक आभार रैली में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कोसते नजर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में जनता के निर्णय को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने की आदत कुछ राजनीतिक दलों को पड़ गई है। पूरी दुनिया जिस इलेक्शन कमीशन की वाह वाह पूरी दुनिया भर में होती है, दुनिया का शायद ही कोई देश इतनी बड़ी संख्या के राज्य का चंद घंटों के अंदर रिजल्ट निकाल पाए ऐसा कहीं नहीं होता। शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है उसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को और उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, वहाँ के अधिकारियों को जाता है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चार राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में जनता के निर्णय को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे में हिमाचल में भी बीजेपी ही रिपीट होगी। ना उनका यहाँ पे कोई आधार है, ना वो कुछ कर पाएंगे। वो यूपी में आए, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। वो गोवा में गए, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका आधार नहीं है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा, मैंने पहले ही कहा था 10 मार्च के बाद हार जाने पर अखिलेश यादव ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने काम करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि 10 मार्च का दिन आएगा, अखिलेश जी ईवीएम को ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे, और वही हुआ। ये जब जब सारे राजनीतिक दल 2014 से लेके 22 तक जनता के फैसले को मानने के लिए जब जब तैयार नहीं हुए, इनकी बार बार हार हुई, 4 बार लगातार ये लोग हारे हैं, और ये जब तक समझेंगे नहीं कि जनता ने गुंडे अपराधी माफियों और भ्रष्टाचारियों से निजात पाने का मन बना लिया है, जातिवादी परिवारवादियों से माफी चाहिए है, ये तब तक नहीं मान रहे, और जनता इनको बार बार सबक सिखा रही। पूर्व सैनिक सम्मान समारोह के ऊपर हो रहे बयानों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया और मोदी ने पहले सरकार के 5 सालों में लागू किया है, जो कि देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया है वो भाजपा ने किया है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही 2004 से 14 तक, उससे पहले भी रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कभी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था और अपने पहले 5 वर्ष के कालखंड में ही उन्होंने इसको लागू भी किया और हजारों करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को देने का काम किया, जो देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया वो मोदी जी ने पूर्व सैनिकों के लिए किया है, हजारों करोड़ रुपए की सौगात। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को अपना परिवार मानते हैं और सैनिकों से संबंधित हर मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेते हैं। वो ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो हर साल बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाते हैं। जसवीर कुमार, हमीरपुर, खबरें अभी तक।